नमस्कार, अजेस्टो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजेस्टो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 29 दिसंबर, वार है शुक्रवार। शो में हम बात करेंगे अरहद व उड़द के शुल्क मुक्त आयात की अवधि 2025 तक बढ़ाई जाने की सूचना है इसके बारे में। जी हाँ, केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के साथ ही कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक अरहद व उड़द के आयात को मुक्त श्रेणी में रखने का फैसला किया है। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले में मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार को अधिसूचना के मुताबिक घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को रखने के लिए यानी नियंत्रण में रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक अरहद व उड़द के आयात को मुक्त श्रेणी के तहत रखने का निर्णय लिया गया है। फ्री कैटेगरी की मुक्त श्रेणी का मतलब है कि आयात पर कोई पाबंदी नहीं होना। इससे पहले केंद्र सरकार ने उड़द व अरहर दाल के शुल्क मुक्त आयात को 1 साल यानी कि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने 15 मई 2021 से मुक्त श्रेणी के तहत अरहर व उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी थी और ये 31 अक्टूबर 2021 तक ही वैध था। इसके बाद अरहर व उड़द के आयात के संबंध में मुक्त व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। 29 मार्च 2022 को इसे एक बार फिर 1 साल के लिए बढ़ाकर अरहर व उड़द शुल्क मुक्त आयात की अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया था। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमको देश और दुनिया की खबरें दे सकें। कृषि मंत्रालय के दूसरे आरंभिक अनुमान के मुताबिक फसल सीजन 2022-23 में अरहर का उत्पादन 36.66 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि फसल सीजन 2021-22 में उत्पादन 42.20 लाख टन हुआ था। वहीं उड़द का उत्पादन फसल सीजन 2022-23 में 26.82 लाख टन होने का अनुमान, वहीं इसके फसल सीजन में उत्पादन 27.76 लाख टन होने का अनुमान है। वहीं चालू रबी सीजन में दलहन की बुवाई घटकर 137.13 लाख टन हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुवाई 148.53 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। दोस्तों, आज एस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पीड़ित जानकारी के लिए आप हमारे दिए नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।